सो हेलो, वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। और आज हम खेलने जा रहे हैं दोबारा से रैंच सिमुलेटर। और जैसा कि आपको पता होगा, मैं यहाँ पर 3-4 बकरी और 3-4 पिग्स लेकर आया था और ये अब इतने सारे हो चुके हैं। वैसे यार, इस गेम को मैंने थोड़ा ऑफलाइन भी खेला था और मैं यहाँ पर 10 पिग लेकर आया था। और अभी तुमको यहाँ पर अपना घोड़ा नहीं दिख रहा होगा। यार, उस घोड़े को मैंने बेच दिया क्योंकि उसका अभी कोई काम नहीं था और अपने पास पैसे भी खत्म हो चुके थे। तो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं एक तो अपनी गाय के लिए बान हाउस और 2-4 पिग मैं यहाँ पर बेच कर भी आने वाला हूँ। और यार, मैं एक बार ही देख लेता हूँ यहाँ पर मधुमक्खी का क्या ही सीन चल रहा है, यहाँ पर शहद वगैरह इकट्ठा हुआ है या फिर नहीं। वैसे गाइस, मैंने ये हनी एक्सट्रैक्टर बना दिया था और इसमें एक बारी मैं शहद वगैरह भी निकाल लेता हूँ। वैसे इसमें देखा जाए तो अभी 3.1 जो अपना हनी है वो कलेक्ट हो चुका है और यहाँ पर 78 और इसमें भी 77 और यहाँ पर 78। वैसे एक काम करते हैं, अभी थोड़ी देर यहाँ पर रुक जाते हैं, यहाँ पर पूरा 100 हो जाएगा तभी हम यहाँ पर हनी निकालेंगे। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, इनका खाना वगैरह देख लेता हूँ। और वैसे आज मैं 2-4 पिग लेकर चलूंगा और उनको बेचेंगे। वैसे खाना तो इनका फुल है, फिर भी मैं एक बारी फुल कर देता हूँ। और एक बारी मैं अपनी गाय वगैरह को भी देख लेता हूँ। खाना पानी तुम्हारा बढ़िया चल रहा है ना? और यार, मैं एक मशीन भी लेकर आ गया था, ये यहाँ पर मिल्क वगैरह निकालने की मशीन। वैसे एक बारी देखे तो यहाँ पर इसका मैं मिल्क निकाल लेता हूँ। ओके, अच्छा तो हमारे पास यहाँ पर कैन खाली नहीं है भाई, अभी मैं दूध नहीं निकाल सकता तो यहाँ पर मुझे ना कैन लेकर आनी पड़ेगी। ये अपनी सारी की सारी कैन भर चुकी है और अभी यहाँ पर कैन लेकर आनी पड़ेगी तभी हम यहाँ पर दूध वगैरह निकाल सकते हैं। तो अभी यहाँ पर गाय के बच्चे तो मैंने देखे ही नहीं भाई साहब। यहाँ पर गाय के बच्चे 1, 2 और यहाँ पर 3 बच्चे गाय के हो चुके हैं, जो काफी ज्यादा बढ़िया बात है। और यहाँ पर एक बच्चा तो भाई बड़ा भी हो चुका है और वो बन चुकी है गाय और वो भी दूध वगैरह देने लगी है। वैसे हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 गाय हैं और एक यहाँ पर बैल है, बाहर नहीं आना भी। खैर, इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पर एक बैल है तो मुझे 1-2 बैल भी लेकर आना पड़ेगा ताकि यहाँ पर इनकी ब्रीडिंग हो सके और हमको यहाँ पर काफी सारे गाय वगैरह मिल सके। तो खैर, एक काम करते हैं यहाँ पर फटाफट से, एक बार मेरे पास बैलेंस कितना है, तो मेरे पास $600 है। तो एक काम करते हैं, पहले मैं अपनी गाड़ी यहाँ पर निकाल लेता हूँ और 2 पिग लेकर चलते हैं, उनको बेचेंगे। तो 2 पिग लेकर चलते हैं, देखते हैं उनका कितना प्राइस वगैरह मिल जाएगा। वैसे मोटे मोटे भाई, तकड़े तकड़े पिग ले जाने वाला हूँ और ये काफी ज्यादा तकड़ा हो चुका है। आ जा बेटा, तू ही चल, कोई बाहर नहीं आएगा, बस ये 2 बाहर आएंगे। आ जा, तू निकला, चल, कोई नहीं आएगा, ठीक है, तू भी आ रहा है क्या? चल तू भी आ जा फटाफट से। और ये क्या कर रही है यहाँ पे, इनको नीचे रखो पहले, ठीक है, इसको यहाँ पर रखो गाड़ी में और फटाफट से इसको भी मैं इसमें बैठा देता हूँ। आ जा, वैसे भाई खा के भालू हो चुके हैं ये। खैर, अभी फटाफट से चलते हैं। वैसे एक बारी मैं देख लूं यहाँ पर हनी वगैरह का डब्बा वगैरह, हनी भी बेच कर देखेंगे यहाँ पर हमको कितना प्रॉफिट हो सकता है। और मैं लेकर ही चलता हूँ भाई, यहाँ पर एक हनी का बैरल लेके चलते हैं, देखेंगे उसको बेच के हनी से हमको कितना प्रॉफिट होने वाला है। इसको बंद करो, ठीक है। और यार, मैंने ये फैंस लगा दिए थे यहाँ पर क्योंकि ये सारे के सारे यहाँ पर चढ़कर बाहर जा रहे थे तो अपन को काफी दिक्कत हो रही थी। और अभी देखा जाए तो यहाँ पर हनी 89% यहाँ पर हो चुका है, तो इसको मैं यहाँ पर कलेक्ट कर लेता हूँ। इसको पहले इसको ऑन करो वरना सारी मधुमक्खी यहाँ पर काटने लगेगी, ठीक है। ये ऑन हो चुका है और अभी मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ पर रखो। वैसे यार, मैं ऑफलाइन गेम खेल रहा था तो मैंने सोचा यार क्यों ना मधुमक्खी को ढूंढने चले। और यार, मैं गया था, पूरे 2 घंटे हो चुके भाई गेम खेलते खेलते, लेकिन मधुमक्खी का तो पता ही नहीं है भाई, पता नहीं कहाँ पे मिलेगी। खैर, एक काम करेंगे, वहां पर चलेंगे जहां पर मैं ये 3 मधुमक्खी लेकर आया था, 3 मधुमक्खी की क्रेट लेकर आया था, और इसको ना मैं यहाँ पर रख देता हूँ। जब ये निकालेंगे तो ये आराम से निकल जाएगी। और बैरल में हो चुका है 31। अबे 31 तो इसमें था। एक बारी ना मैं इसको दोबारा से लगाता हूँ। हाँ, अभी यहाँ पर कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 4.9 हो चुका है, 5 पॉइंट हो चुका है। तो यहाँ पर इसमें ये पॉइंट है या फिर किलो वगैरह है, 5 किलो 6 किलो ऐसे होगा शायद से। तो यहाँ पर 7 किलो इकट्ठा हो चुका है। और अभी एक काम करो, इसको खोल कर देखो क्या। हाँ ठीक है, ये सारा यहाँ पर शहद वगैरह निकल चुका है, इसको हटा के यहाँ पर रखो। वैसे यार, ये स्मोक वगैरह ख़त्म नहीं होता क्या इसमें? मैं तब से इसी स्मोक को यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ये ख़त्म ही नहीं होके दे रहा है। चलो, यहाँ पर मैंने सारी रख दिया, फटाफट से इसको बंद करो, इसको भी बंद करो।
और ये मैं लेकर चलता हूँ। इसमें वैसे 0.5% की कमी है, ये ऑलमोस्ट पूरा फुल ही हो गया था। और इसको कहाँ पे रखूँ बे मैं, ये यहाँ पे ओ आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा। हाँ ठीक है चलो, यहाँ पर ये आ चुका है। और फटाफट से चलते हैं बेस्ट बर्गर शॉप पे। ओके तो गाइज मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और यार वैसे ऑफर वगैरह चल रहा होगा तो यार काफ़ी बढ़िया रहेगा, हमको यहाँ पर डबल प्राइस में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं फटाफट से अपनी गाड़ी लगा देता हूँ, ठीक है। और अभी अंदर चल के देखा जाए तो यहाँ पर ऑफर वगैरह चिकन का चल रहा है, रोस्टर मीट का चल रहा है और वाइल्ड मीट का चल रहा है। भाई यार पोर्क वगैरह का भी दे देते ऑफर। खैर इसको बैरल को उठा के पहले यहाँ पे रखो, इसको मैं देखता हूँ बैरल ये हनी वगैरह का हमें कितना पैसा मिलने वाला है, ठीक है। और हनी का मिलने वाला है यहाँ पर, ओ भाई साहब $284 यहाँ पर मिलने वाला है। तो एक काम करता हूँ यहाँ पर मैं इसको फटाफट से सेल कर देता हूँ। वैसे पिग वगैरह क्यों नहीं आई, अच्छा तो यार मैंने उनको भाई निपटाया भी नहीं अभी तक, इनको पहले मैं यहाँ पर निपटाता हूँ। निकालते अपनी बंदूक। ओके तो चलो यहाँ पर हमारा कट्टा रिलोड हो चुका है। वैसे यार मैं एक काम करूँ ना, यहाँ पर मारूंगा तो बाहर ये मुझे इकट्ठा करना पड़ेगा, इनको अंदर लेकर चलता हूँ। आ जाओ बेटा अंदर आ जाओ, तुम यहाँ पर तुम्हारी लाश बिछाऊंगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर करता हूँ खल्लास, तेरी ऐसी की तैसी खत्म। चलो पिछवाड़े में गोली मारूंगा। तो यहाँ पर 2200 कुछ डॉलर हमारे पास हो चुके हैं। और यार तुम एक काम करो भाई, जल्दी जल्दी यहाँ पर पोर्क वगैरह का ऑफर निकालो, मैं काफी सारा पोर्क लेकर आने वाला हूँ तुम्हारे पास। यहाँ पर यार कुछ खाने पीने का सिस्टम भी कर दो। तो खैर फटाफट से चलते हैं अभी अपने रेंच में और वहां पर बनाएंगे एक मस्त गाय का बान हाउस। लेकिन यार उसके लिए हमें काफी सारे प्लैंक्स भी चाहिएंगे, और मैं प्लैंक्स वगैरह लेकर चलूँ क्या? तो खैर छोड़ो, एक काम करते हैं पहले ना अपने रेंच में चलकर देखते हैं वहां पर कहां पे मुझे बनाना होगा। ओके तो मैं यहां पर आ चुका हूं। खैर एक काम करते हैं, इधर की साइड में बनाते हैं अपनी गाय का बान हाउस। तो फटाफट से यहां पर निकालते हैं अपनी पुस्तक। तो चलो यहां पर मैं देख लेता हूं बान हाउस, वैसे वो टाइप का तो नहीं बनाऊंगा मैं, यहाँ पर कस्टम ही बनाने वाला हूँ। ओके तो गाइस काम करते करते काफी ज्यादा टाइम हो चुका था और रात भी काफी ज्यादा हो चुकी थी, तो मैं आज जाके सो गया था। तो अभी हो चुकी है एक मस्त वाली सुबह, और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने सारा ब्लूप्रिंट तो तैयार कर दिया है, बस अभी मुझे इसमें लाके प्लैंक्स लगाना बाकी रह चुका है। और ये ना मैंने कुछ अलग टाइप से बनाया ताकि हमारी जो गाय है वो बाहर भी घूम सके, और यहाँ पे मैंने अंदर रूम टाइप से बना दिया है ताकि हम उनका दूध वगैरह निकाल सके, आराम से वो यहाँ पर खाना पानी खा सके और मस्त रह सके। तो खैर अभी मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से चलते हैं हार्डवेयर स्टोर और वहां से लेकर आने वालों में काफी सारे प्लैंक्स। ओके गाइस तो फाइनली अपना जो काउ हाउस है वो बनके रेडी हो चुका है। और मौसम देखो भाई क्या ही खतरनाक हो रखा है, बारिश इतनी तेज पड़ रही है ना, और पीछे देखो पहाड़ भाई क्या ही मस्त लग रहे हैं, क्या ही मस्त यहाँ पर माउंटेन लग रहे हैं। खैर अभी यहाँ पर अपना जो बान हाउस है ना वो काफी ज्यादा बढ़िया हो चुका है, और देखो यार अपना जो बान हाउस है ना उसका लुक जो एकदम बढ़िया निकल के आया है यहाँ पे। और यार मैंने पहले आगे की साइड में बंद कर दिया था बट अभी यहाँ पर खुला कर दिया है, तो अभी एक काम रह चुका है इसको पेंट करना रह चुका है, और यहाँ पर एक मैं गेट वगैरह लगा दूंगा। खैर अभी यहाँ पर मैं पेंट वगैरह भी सारे लेकर आ चुका हूँ, तो फटाफट से इस पर पेंट करते हैं। और यहाँ पर रख के अपने काफी सारे पेंट, तो ऊपर की साइड तो मैं ये वाला करने वाला हूँ, थोड़ा ये डार्क मैरून से कलर का है। और ये करते हैं ऊपर की जो रूफ है यहाँ पर इसे कम्प्लीट करते हैं, इसको देखते हैं कैसा लगने वाला है। ओके वैसे यार अच्छा तो लग रहा है, तो एक काम करते हैं पहले पूरे पे करते हैं इसको, ठीक है। अंदर की साइड से मैं अंदर की साइड या फिर दूसरा किया जाए, तो एक काम करते हैं यही कर देता हूँ, यही काफ़ी बढ़िया लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर और इधर की साइड में भी अंदर से करना पड़ेगा, ये पहले इसको यहाँ पर रखो वरना गेट पे हो जाएगा यहाँ पे। और ये अंदर यहाँ पे अंदर मैंने सारा खाने वगैरह का फिल्टर वगैरह बना दिया, तो ये अंदर भी यहाँ पर खाना आराम से खाते रहेंगे। और यहाँ पे किया इधर और इधर, ठीक है। और दो मैंने इधर की साइड में ये रूम बना रखे हैं, तो फटाफट से यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ। अबे सामने से हट ले यार, क्यों यहाँ पर दिमाग खराब कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे किया इधर किया और यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। और अभी मैं बाहर की साइड से भी कर देता हूँ। वैसे जो अपना बान हाउस का लुक निकल के आया ना भाई काफी ज्यादा बढ़िया आया है। वैसे यार तुमको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना। इधर की साइड में भी मैं कर देता हूँ। और यार ऊपर कैसे करना पड़ेगा, मुझे ऊपर की साइड से भी करना पड़ेगा एक बारी। मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और बाहर चलते हैं। भाई मत आओ बाहर, मत आओ, कोई मत आना बाहर यार, काफ़ी दिक्कत कर देते हैं बाहर आते ही, ठीक है। यहाँ पे किया और यहाँ पे किया और इधर की साइड से, हाँ यहाँ पे हो जाएगा इधर की साइड से। ओके ठीक है चलो, ये हो चुका है और ये मैंने कंप्लीट कर दिया ये वाला। तो अभी फटाफट से मैं दूसरा डब्बा उठाता हूँ और नीचे की साइड में मैं दूसरा कलर करने वाला हूँ, तो दूसरा यहाँ पर काफ़ी बढ़िया लगने वाला है। ये मैं कर देता हूँ इधर की साइड में। और यार यहाँ पे देखो इतने सारे पिग हो चुके हैं ना भाई,
यार इतने सारे पिक तो मैं लेकर भी नहीं आया था। मैं कम से कम यहाँ पर 10-15 पिक लेकर आया था, बट यहाँ पर इतने सारे पिक हो चुके हैं ना भाई, क्या ही बताऊँ। खैर अभी फटाफट से मैं यहाँ पर पेंट वगैरह कर देता हूँ, उसके बाद इनका भी कल्याण करेंगे। हाँ ठीक है, यहाँ पर हो चुका है। और उधर की साइड से मैं इधर आके कर दूँ क्या यार? एक तो मैं यहाँ से नहीं जा सकता, मुझे ना थोड़ा गैप और रखना चाहिए था यहाँ पे। खैर मैं इधर से चला जाता हूँ थोड़ा शॉर्टकट मार के। ओके चलो अभी फटाफट से मैं ये वाला रह गया था शायद से, हाँ ये वाला रह चुका है। ठीक है चलो ये भी कंप्लीट और ये भी कंप्लीट, ठीक है। और अभी ये वाला भी रह चुका है, चलो ये भी कंप्लीट हो चुका है। अंदर की साइड से तो हो चुका है, ये भी हो चुका है अंदर की साइड से, हाँ ये रह चुका है। और इसको किया हमने कंप्लीट, पीछे से तो ये कंप्लीट नहीं यार, कंप्लीट नहीं है तो मुझे बाहर जाके करना होगा ये। फटाफट से चलते हैं बाहर, पहले इसको यहाँ पे रखो, ये गेट बंद करो। अभी उठाया मैंने ये, अंदर से भी रह रहा है क्या ये? चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अंदर से भी कर दूंगा मैं इसको। और इधर से तो ये हो चुका है, फटाफट से अंदर से तो मैं यहीं पर कर दूंगा। ठीक है ये होया, ये हो गया, और ये चलो यहाँ पर ये भी हो चुका है कंप्लीट। अब फटाफट से मुझे बाहर की साइड से करना होगा, और बाहर की साइड ना मैं ऐसा पेंट करने वाला हूँ यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा मस्त लगने वाला है। और ये वाला पेंट का डब्बा तो मैं यहीं पर रख देता हूँ, फटाफट से ये वाला मैं पेंट उठाता हूँ। ये वाला पेंट भी मैं काफ़ी बढ़िया लेकर आया था, ये मेहंदी से कलर का है, थोड़ा डार्क मेहंदी से कलर का है। डार्क मेहंदी कैसा होता है उसका मुझे पता नहीं है। खैर ये वाला करने वाला हूँ मैं यहाँ पे, और काफ़ी मस्त लगने वाला है भाई, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगने वाला है। ये कैसा झुंड बना रखा है तुमने यार, इनका भी अलग ही सीन चलता रहता है, ये खड़े होते हैं तो एक जगह खड़े होते रहते हैं। खैर अभी मैंने फटाफट से यहाँ पर कर दिया है, और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है भाई ये वाला पेंट भी ऊपर की साइड में। ओके और यहाँ पे करूँ क्या, गेट वगैरह भी मैं दूसरा कर दूंगा, पहले ना मैं ये कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, और ये वाला भी किया, और ये वाला भी किया, और यहाँ पे, और यहाँ पे। वैसे गेट पे देखा जाए तो मैं ये वाला कर दूँ क्या, ये भी काफ़ी बढ़िया लगने वाला है। जो मैंने छत पे किया है वही मैं गेट पे करने वाला हूँ। तो यहाँ पे डब्बा रखा हुआ था, हाँ ये रहा वो डब्बा, अबे हट ले साइड से हट ले। ठीक है ये उठाया मैंने यहाँ पे डब्बा, और गेट पे मैं यही कर देता हूँ, यही मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ठीक है ओके, और इस पर भी किया भाई, काफ़ी ज़्यादा ओसम लग रहा है। और यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ, ठीक है, और इस वाले पे भी। चलो ये हो चुका है कंप्लीट, ये डब्बा मैं रख देता हूँ यहीं पर, और ये ना गेट बंद कर दूँ भाई, इनकी ना यहाँ पर महफिल सी जमा हो जाती है, और अभी ये सारे भग जाएंगे। ठीक है, और अंदर की साइड से तो हम बाद में कर देंगे, और यहाँ पर अभी विंडो वगैरह भी लगानी बाकी है, तो मुझे एक पेंट का डब्बा और लेकर आना पड़ेगा। और यहाँ पर देखो इन्होंने भाई, इतनी सारी भीड़ हो चुकी है ना यहाँ पर गाय की, गाय वगैरह भी मैं यहाँ पर 3-4 लेकर आया था, और इतने सारे जानवर हो चुके हैं हमारे पास। कोई दिक्कत नहीं, इनका भी खात्मा करेंगे अगले वाले एपिसोड में, इनका मैं सबका खात्मा करने वाला हूँ। और ये क्यों डब्बा लेके जा रहा हूँ मैं, ये नहीं लेके जाना, मुझे जाना है ये वाला लेके। ठीक है अभी फटाफट से चलते हैं, और बाहर की साइड में भी मैं यही कर दूँ क्या? चलो यार यही कर देते हैं, वैसे इतना भी बुरा नहीं लग रहा है, बाहर की साइड में बढ़िया लगने वाला है। ठीक है ओके, चलो ये भी हो यहाँ पर, और यहाँ पर भी हो चुका है कंप्लीट। ओके वैसे इस पे भी हो जाएगा क्या? नहीं यार इस पे नहीं होगा। चलो इनका खाना वगैरह मैं फुल कर देता हूँ। पैसे नहीं है हमारे पास, ये क्या सीन है, पैसे वगैरह देखा जाए तो वो भाई साहब $9 पड़े। इख्तियार ये लोन के चक्कर में ना मैं गरीब हो जाऊंगा भाई, इतना मैंने लोन नहीं लिया जितना मुझे यहाँ पर पे करना पड़ रहा है। The next day, तो गाइस अपना जो बान हाउस है ना उसका लुक यार क्या ही ऑसम लग रहा है। वैसे मैंने थोड़ा यहाँ पर डार्क कलर किया है, तो इसका थोड़ा लुक सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये अगर दिन में देखेंगे ना तो काफी ज्यादा बढ़िया लगने वाला है। वैसे अभी मौसम यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक हो रखा है, तो एक काम करता हूँ, मेरे पास यहाँ पर दूसरा कलर भी है क्या कोई? एक बार कोई दूसरा कलर देखा जाए तो। अभी गेट खोलो, ठीक है ये वाला या फिर ये वाला। वैसे व्हाइट कैसा रहेगा? अंदर की साइड में ना मैं व्हाइट कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा यहाँ पर डार्क कलर हो जाएगा और थोड़ा यहाँ पर व्हाइट कलर हो जाएगा, तो कॉम्बिनेशन उसका अच्छा बन जाएगा। अंदर की साइड में करने वाले हैं हम यहाँ पे व्हाइट कलर, ठीक है अच्छा लग रहा है यार, इतना भी बुरा नहीं लग रहा है। अगर बाद में अगर मुझे दूसरा करना होगा तो मैं यहाँ पर दूसरा कर दूंगा, ठीक है। और इधर की साइड में किया जाए, ओके फटाफट से। इख्तियार मौसम भी भाई इतनी तेज बारिश पड़ रही है ना, गाय पे कर देता हूँ कलर, व्हाइट हो जाएगी अपनी गाय, ठीक है। और यहाँ पे चलो गाइस ये भी हो चुका है कंप्लीट, और अभी फटाफट से मैं ये भी कर देता हूँ, ये गेट वगैरह मैं व्हाइट ही कर देता हूँ, बाद में देखा जाएगा।
खैर अभी जो अपना बान हाउस है ना वो फुल कंप्लीट हो चुका है, बस थोड़ी बहुत यहाँ पे कलर वगैरह बाकी रह चुके हैं, उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन अभी जो इसका लुक निकल के आया ना भाई, काफी ज्यादा ऑसम लग रहा है। आपको कैसा लगा नीचे वीडियो में कमेंट करके बताना। और यहाँ पर देखो यार, इतने सारे पिग हो चुके हैं ना, तो इनका खात्मा होने वाला है भाई अगले एपिसोड में। तो अगले वाला एपिसोड देखना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से जाके वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।